हरदोई के माधवगंज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हुए अराजक तत्वों ने धार्मिक मूर्तियों को खंडित कर दिया। मूर्तियां खंडित होने की जानकारी लगते ही लोगों में आक्रोश बढ़ गया, तो सीओ ने किसी तरह कार्यवाही का भरोसा दिलाकर मामले को शांत कराया। सुबह माधवगंज के इस मंदिर में जब देवी देवताओं की मूर्ति की आंख निकालकर मूर्ति क्षतिग्रस्त करने की जानकारी नगर के हिंदू संगठनों को हुई तो लोग मंदिर परिसर में एकत्र होने लगे। इसके बाद लोगों की भीड़ ने थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर से मिलकर जानकारी दी। ऐसे में इंस्पेक्टर को जाना चाहिए था, लेकिन खुद इंस्पेक्टर न जाकर SI प्रेम प्रकाश ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, जिसके बाद सीओ संडीला भी मौके पर पहुंचे। कस्बे के मोहल्ला पश्चिमी पटेल नगर में स्थित बूढ़े बाबा मंदिर में सोमवार की रात्रि असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी नंदी एवं नाग नागिन की मूर्ति की आंखें निकालकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब मोहल्लेवासी पूजा करने मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि मूर्तियां की आंख नहीं थी। अब देख हम लोग ये देख रहे हैं, अगर प्रशासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अपने संगठन के स्तर से कार्रवाई। फिलहाल SP साहब से बात हुई है, उन्होंने सूचना दी है कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। ये अगर जो है हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से, अगर कुछ पार्टियों के स्तर से अगर कोई कार्रवाई, बहुत हम जैसे कोशिश करते हैं कि कुछ करें, लेकिन जब लोकल स्तर के राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग कुछ सपोर्ट सहयोग करते हैं तब हम लोगों के अंदर और ताकत महसूस होती है। आज जैसे जिस तरीके से हम लोग आए यहाँ पे, एक लोग जो हैं जो हल्का फुल्का संदिग्ध लगे हैं, हम लोग गए भी हैं वहाँ तक और उसके लिए हम लोगों ने सूचना भी दे दी है CO साहब को जो भी यहाँ पे हैं। क्या लोगों ने कुछ नाम बताए हैं या फिर अज्ञात लोगों की खिलाफ? अज्ञात लोग, एक लोगों का नाम उसको संदिग्ध में दिया गया है कि ये हो सकते हैं क्योंकि कई धार्मिक गतिविधियों में उन्होंने बहुत बार विरोध किया है। माधवगंज क्षेत्र में एक मंदिर में नंदी और प्रतिमा का और हनुमान जी की मूर्ति को थोड़ा सा छत विछत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कुछ टूट फूट की गई है उसमें मूर्ति के साथ, और ग्रामीणों की और मंदिर के पुजारी की तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही उस घटना का अनावरण जो है शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।